दो गोल्ड चेन, दो साइकिल, दो मोबाइल और हजारों के कैश प्राइजेस। वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर न्यू व्लॉग। आज अभी चालू है आके स्पोर्ट्स, तो मेरे एच डी फिटिंग मीनिया उस चैनल पे स्पोर्ट्स के बहुत से वीडियो आए हैं। अभी आप देखो जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे चालू हो गए, अभी 100 मीटर 200 मीटर के इवेंट चालू हो रहे हैं। देखो देखो 100 मीटर का इवेंट चालू लगता और मनपा की मैच है या जिला की पता नहीं। अभी करण है अपना दोस्त, उसको पता है, उसको पूछ के बताता हूँ। पानी बॉटल उधर ला के रख। क्या बोले? संस्कृति। हाँ। आपका नंबर तो मेरे को पता है, किसी को नहीं दिया। जिन्ना को को अपने रजिस्टर में होंगे ना, तो आपका नंबर सबके। किसको दिया? हाँ तो दोस्तों अभी यहाँ पे इवेंट तो चालू है, पूरे दिन भर इवेंट चलने वाले। लेकिन देखो अभी ये मनपा की मैच है, मतलब पूरे अपना जो शहर है ना चंद्रपुर शहर, इसकी मैच है। लेकिन कुछ भी माहौल नहीं दिख रहा और ऊपर से सबसे ज़्यादा ख़राब तो इस बात का लग रहा है कि भाई साहब ये धूप इतनी है, धूप काले में इतनी खतरनाक धूप नहीं पड़ती। लेकिन इस टाइम मतलब अक्टूबर चालू हो गया है, उस टाइम इतनी भयानक धूप गिर रही है, तो बहुत ही दिक्कत है। अभी ये शॉर्ट पुट का इवेंट हो गया था, लॉन्ग जंप वाला हो गया था, अभी बस ये चालू है और बाद में फिर शाम के टाइम भी रिले वगैरह होने वाले हैं। तो अभी कुछ एक या डेढ़ घंटा रेस्ट है। देखो इधर इधर मतलब इधर लग के है, एक आ गया, ये इधर कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही रहने वाला है। देखो ऐसा कुछ ग्राउंड है पूरा खाली। देखो इधर भी कोई नहीं है, उधर साइड भी कोई नहीं है, बस उधर साइड अभी मैचेस है थोड़ी बहुत 100 मीटर की हिट्स वगैरह, उस वजह से यहाँ पे लड़के लोग हैं, बाकी कोच भी नहीं, पूरा ग्राउंड खाली है। उधर साइड भी बस पेरेंट्स लोग हल्के फुल्के, क्या बोलते उसको, बच्चे, बाकी कोई नहीं। तो पहले की तरह तो माहौल कुछ रहा ही नहीं है। पहले तो जब अपन लोग खेलते थे 2016-17 मतलब 19 के पहले, 17 के पहले समझ जाओ, वो टाइम तो भाई साहब मज़ा ही कुछ अलग था। लेकिन अभी कुछ भी नहीं, अभी सब ऑनलाइन का हो गया है ज़माना, अब ऑनलाइन ऑनलाइन ही चल रहा। चलो तो मेरे को भी बाहर जाने का है थोड़ा, कहाँ जा रहे हैं तो देखते। साजिद का फ़ोन आया था अभी 11:30 बजे जाना था, थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया, करण का थोड़ा काम था, सारी सिग्नेचर वगैरह लेने थी वहाँ की, तो ले लिया है। या था मैं खाना खाने का भैया, अब उधर से वर्रा भी जाना था, वर्रा का क्या होता है कैसा होता है पूछा, प्रोटीन भी देने थे एक दो को, तो वो देखता हूँ कैसा क्या है। तो वेलकम भाई, इवनिंग का टाइम, सुबह सुबह आप लोगों ने देखा मैं वहाँ गया था जिला स्टेडियम, तो वहाँ से सीधा आते ही एक दो को मिला, यहाँ पे थोड़ा काम था और एक दोस्त का वो क्या बोलते उसको सैमसंग का जो फ़ोन था उसके पास S22, तो उसमें कल एक सब अपडेट आया 1UI 6.1 वाला, तो उसने रात को अपडेट किया डाला और सुबह सुबह देख रहा है तो क्या, तो एक लाइन आके थी फ़ोन पे ग्रीन कलर की स्क्रीन पे, तो वो इशू अभी मिट नहीं रहा है, तो उसका क्या करना है क्या नहीं, वो बाहर गया है। उसका पूरा वीडियो मैं मेरे टेक चैनल पे डाल दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और ऊपर से एक महीने माइक लिया, ये देखो ये जो यहाँ पे है ना, ये वॉल मैक्स का एक माइक है, तो उसकी भी टेस्टिंग चल रही है, उसका भी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो भी आपको मेरे टेक चैनल पे दिख जाएगा, तो उसको भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं अभी साइज की तरफ जाना है, उससे थोड़ा काम है, उसके बाद एक बंदे की तरफ जाना है, उसको कुछ सामान देना है, उसको सामान देते और मिलते। अगर आज काम ज़्यादा नहीं रहा तो आपको चंद्रपुर की जो देवी माता है उनके दर्शन ज़रूर कराऊंगा,
पूरे जितने भी है, जैसे गणपति में आपने देखा ही होगा जितने भी गणपति है उनके दर्शन किए थे, सेम वैसा ही अभी देवी माता जितने भी है अच्छे अच्छे सारे देवी माताओं का मैं आपको दर्शन जरूर कराऊंगा। तो मिलते हैं, अभी आता हूँ उसको पकड़ता हूँ पहले। हाँ तो भाई साजिद की तरफ गया था, साजिद तो घर पे था नहीं इस वजह से अभी फिर से कॉलोनी में आया, कॉलोनी में अभी ये लोग एक चला गया। अच्छे बातें करने के बाद अपने को मनीष मिला, मैं बोला चल भाई मनीष जाके आते ही अपन। और हाँ और एक बात बोलना था दोस्तों, ये जो माइक मैंने पहना है इसका साउंड क्वालिटी कैसे आ रही है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि एक तो मैंने माइक ट्राई किया लास्ट टाइम में मेरे पास एक माइक था तो उसका नहीं क्या हवा का आवाज़ वगैरह जाता आता था, तो इसमें कैसे नॉइस कैंसिलेशन वगैरह जो दो चार कलर दिख रहे हैं तो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है इसमें, तो कैसा क्या नॉइस कैंसिल हो रहा है या फिर साउंड में कुछ हवा हवा का साउंड आ रहा है आजू बाजू का कुछ ज़्यादा साउंड आ रहा है वो मेरे को उसमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और कुछ नहीं, बस यही कर देना। हाँ तो दोस्तों अभी ये थे ना फ्लैश आला पाइजे ना चेहरा ना दिसत ना म्हणून। हाँ तो दोस्तों अभी बस खाना वाना हो गया और डगी खाना वाना हो गया, खाना खाने के बाद अभी अपने घर के पीछे साइड ही डांडिया का प्रोग्राम चल रहा है तो अभी जाके देखते थे बोला, अभी मनीष भाई बोला कि चलो खाना वाना हो गया उसका भी मेरा भी तो चलते हैं अभी डांडिया का प्रोग्राम कैसा क्या चल रहा है तो देख के जाके आते, मतलब खाना का भी पच जाता, थोड़ा सा वॉकिंग हो जाती खाना खाने के बाद। और अपना डांडियों का इस साल का पहला शो और अपने इस साल का माहौल भी देखने को मिल ही जाएगा। हर वर्ष ही नाराज वाटे पहले होता थे घर तो बन। हाँ तो भाई साहब इधर एक भाई तो एकदम खतरनाक काम चल रहा है इधर जाने दो तो हाँ तो अभी जा रहे हैं, अभी आपको वहाँ का माहौल दिखाते हैं। अभी आज का तो चौथा ही दिन है तो करके ज़्यादा कुछ होगा नहीं, जैसे ऐसे सबसे ज़्यादा माहौल जैसे जैसे जाएंगे आगे आगे वैसा वैसा माहौल बढ़ते जाएगा। भाई साहब अंदर चालू तो है गाना और ये देखो पूरा यहाँ पे भीड़ है, लास्ट अभी आए थे थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी देखो यहाँ पे भीड़ तो क्या है काली बना रहे ऐसा ऐसा है भाई कुछ तो हल्का फुल्का ही है। अरे भाई हाय हाय मेरे को काम पे आओ पे तो गोल्ड चेन तो साइकिल तो मोबाइल और हजारों के कैश प्राइजेस। हाँ तो दोस्तों कैसे लगी डांडिया,
पूरा वीडियो भी मैंने मतलब डाल दूंगा 10-15 मिनट का के आसपास ही है ना, हाँ 10-15 मिनट के आसपास ही है, वो वीडियो भी आप देख लेना। ब्लॉग में भी थोड़े से 2-4 क्लिप डाल दूंगा, ये भी देख लेना कैसा लगा क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आप कौन से शहर में रहते हो और वहाँ पर कैसे कैसे डांडिया होती है, कैसा गरबा खेला जाता है, यहाँ जैसा माहौल रहता है या फिर इससे भी बहुत बढ़िया और बहुत ख़तरनाक माहौल रहता है, वो मेरे को ज़रूर बताना। कभी होना हो मतलब आना हुआ तो हम भी वहाँ आएंगे नवरात्रि में, और वहाँ का भी कैसा क्या माहौल रहता है तो देखेंगे ज़रूर। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, टेक केयर एंड बाय।